Hi, and welcome to the Alliance Education's channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Education. This is first lecture of complex number. In today's lecture, we are going to study about basic concepts and algebraic operations with complex number. But first of all, I want to tell you about Alliance Education. Alliance Education has now brought education to your doorstep. We have admissions open for both online and classroom programs. How will you benefit? We provide notes, worksheets, and lecture PDFs which help in revision, weekly test, and quizzes keep you prepared. We also provide full online support via video calls. Our lectures have short tricks and easy to remember concepts which make your base strong and learning easy. So hurry up and register. अलायंस एजुकेशन के बारे में और डिटेल्स जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। विजिट करने के लिए आपको जस्ट टाइप करना होगा www.allianceeducations.com, तब आप हमारी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। हमारे कोर्सेस और सर्विसेज के बारे में जानकारी पाने के लिए आप साइट पे विजिट करने के बाद कोर्सेस एंड सर्विसेज पे क्लिक कर सकते हो। देन अगर आपको क्लास के लिए एनरोल करना है तो आप एनरोल नाउ पे क्लिक करके एडमिशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो एंड सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको सबमिट करना होगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है ये जानेंगे हम। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पे एक इक्वेशन है x2 + 1, ठीक है। सो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करना है तो कैसे करना होगा, हम एक्स स्क्वायर एज इट इज रखेंगे, प्लस वन दूसरी साइड में जाएगा तो क्या होगा -1, देन एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √-1। दोनों साइड में अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये हो जाएगा √-1। तो आज तक हमने देखा है रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आता है तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज इमेजिनरी नंबर। इसे क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। सो दिस इमेजिनरी नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर आयोटा। इसे रीड किया जाता है आयोटा। सो इमेजिनरी नंबर को हम आयोटा करके रीड करते हैं। देन अगर हम एक और इक्वेशन ले, से x2 + 4 = 0, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। सो यहां पर एक्स स्क्वायर एज इट इज, 4 दूसरी साइड में जाएगा तो -4 होगा। 4 दूसरी साइड में जाने के बाद क्या हो जाएगा, यहां पर -4 होगा। टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड्स, दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, यहां पे ±√-4 होगा, ठीक है। स्क्वायर रूट लेने के बाद जो भी नंबर है वो प्लस माइनस में आता है। देन इसे कैसे सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस यहां पे रूट के अंदर जो -4 है ध्यान से देखिए, हम उसे लिख सकते हैं -1 × 4, देन प्लस माइनस रूट सेपरेट करेंगे √-1 × √4। सो प्लस माइनस व्हाट इज √-1, अभी हमने देखा था √-1 को हम क्या लिखते हैं, आयोटा। तो इसको हम लिखेंगे आई एंड √4 = 2। सो हम इसे लिख सकते हैं एक्स इज +-2i, एक्स की वैल्यू क्या होगी +-2i। सो आई इज कॉल्ड एज इमेजिनरी नंबर। आई क्या है, इमेजिनरी नंबर, जिसे हम आयोटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आपके सामने एक और इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x2 + x + 1। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे फैक्टराइज करना है तो डायरेक्ट फैक्टराइजेशन मेथड हम यूज नहीं कर सकते, हमें यूज करना होगा फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड आपने 10th स्टैंडर्ड में देखा होगा कि अगर इक्वेशन ax2 + bx + c = 0 है, सो वैल्यू ऑफ एक्स इज गिवन बाय -b + √b² - 4ac / 2a। इस इक्वेशन से हमें मिलता है। तो आपके सामने जो इक्वेशन है इसमें वैल्यू ऑफ a कितनी होगी, a इज कोएफिशिएंट ऑफ x2, सो वैल्यू ऑफ a इज 1, वैल्यू ऑफ b इज 1 एंड वैल्यू ऑफ c इज आल्सो 1। तो यहां पे अगर हम फॉर्मूला मेथड अप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, -b के जगह आएगा 1 + -√b² b² मींस 1 स्क्वायर
-4 AC 1 into 1 डिवाइडेड बाय 2 A, A की वैल्यू है 1, सो -1 प्लस माइनस, यहाँ पे 1 का स्क्वायर इज 1, 4 into 1 into 1 4, 1 माइनस 4 इज -3 डिवाइडेड बाय 2, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस, रूट में आया है माइनस, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 इंटू -1, 3 इंटू -1, देन हम यहाँ पे रूट सेपरेट कर सकते हैं, रूट सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, ये इसे लिख सकते हैं, चलो रूट -1 हमने पहले लिखा, √3 बाद में लिख दिया, ठीक है, एंड डिवाइड में 2 था, सॉरी, तो यहाँ पे भी डिवाइड में 2 आएगा, देन -1 प्लस माइनस, व्हाट इज √-1, अभी हमने देखा √-1 को हम क्या लिखते हैं, आयोटा, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, सो -1 प्लस माइनस आई √3 बाई 2, सो दिस इज -1 बाई 2 प्लस माइनस आई √3 बाई 2, सो यहाँ पे एक्स की हमारे पास दो वैल्यूज आ रही है, एक्स इज इक्वल्स टू -1 बाई 2 प्लस आई √3 बाई 2 एंड एक्स इज इक्वल्स टू -1 बाई 2 माइनस आई √3 बाई 2, इस तरीके से हमें एक्स की टू वैल्यूज मिल रही है। तो यहाँ पे हमें एक ऐसा नंबर दिख रहा है जिसमें यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, -1 बाई 2, -1 बाई 2 इज रियल नंबर, तो यहाँ पे हमें एक रियल नंबर दिखाई दे रहा है और जिसके साथ आई मल्टीप्लाई में है, ये हो गया इमेजिनरी नंबर, ये क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, सो कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इमेजिनरी नंबर को हम और सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे √-9 दिया हुआ है, तो √-9 को सॉल्व करने के लिए हमें क्या लिखना होगा, -1 इंटू 9, देन -1 इंटू 9, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हमें स्क्वायर रूट सेपरेट करने हैं, सो √-1 इंटू √9, देन √-1 इज आई एंड √9 इज 3, तो ये कितना हो जाएगा 3i, ठीक है, उसके बाद √-5, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -1 इंटू 5 हम लिखेंगे, -1 इंटू 5, देन -1 इंटू 5 जो है यहाँ पे रूट सेपरेट करेंगे, √-1 इंटू √5, √-1 इंटू √5, अगेन √-1 को हम लिख सकते हैं आई, बट 5 का रूट नहीं लिखेगा निकलेगा तो उसे √5 ही लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया आई √5, सो आई होप आपको समझ में आया कि अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है तो उसे इमेजिनरी नंबर हम कहते हैं, एंड इसे आयोटा के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी हमने अभी देखा। तो जानते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज व्हाट, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से, एंड लिखा जाता है जेड इज इक्वल्स टू ए प्लस आई बी, वॉट इज ए, ए इज रियल पार्ट, रियल पार्ट इसे हम लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड, इस तरीके से रियल पार्ट ऑफ जेड, बी इज वॉट, बी इज इमेजिनरी पार्ट, बी क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, सो इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम आई एम ऑफ जेड से, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, सो जेड इज वॉट, जेड इज कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड इज कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमारे सामने कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि 5 प्लस 3i, 5 प्लस 3i हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे 5 हो गया रियल पार्ट एंड 3 हो गया इमेजिनरी पार्ट, देन एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है -1 प्लस i, तो यहाँ पे -1 हो गया रियल पार्ट, i को मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है इसलिए 1 है, यहाँ पे क्या है 1, तो 1 हो गया इमेजिनरी पार्ट, ये क्या हो गया इमेजिनरी पार्ट, देन 0 प्लस 4i, 0 प्लस 4i इसे हम सिंपली 4i भी लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जो इसका रियल पार्ट है, रियल पार्ट 0 है, तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट
जीरो है तब इसे कहा जाता है इट इज प्योरली इमेजिनरी नंबर, इट इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट अगर जीरो आता है तो उसे प्योरली इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। देन एक और एग्जाम्पल है हमारे सामने विच इज 4 + 0i। 4 + 0i को हम 4 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो जीरो है। तो जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट जीरो होता है उसे कहा जाता है प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल नंबर। रिमेंबर दिस, ये आगे चल के हमारे काम आने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया है। वैसे काफी इजी कॉन्सेप्ट है, जस्ट आप फर्स्ट टाइम इसे सुन रहे हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर करके भी कुछ होता है। देन इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। अब यहां पर जैसे कि हमने देखा है कि आई, आई की वैल्यू क्या होती है, आई की वैल्यू होती है √-1। वैल्यू ऑफ आई इज √-1। तो अगर हमें आई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आई स्क्वायर क्या होगा, आई की जो वैल्यू है इसका स्क्वायर हो जाएगा √-1 का स्क्वायर। सो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, आई स्क्वायर की वैल्यू मिलती है हमें -1। सो सिमिलरली हम आई क्यूब की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो आई क्यूब क्या होने वाला है, आई क्यूब इज आई स्क्वायर इंटू आई। आई क्यूब को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई। आई क्यूब को हमने क्या किया, स्प्लिट किया आई स्क्वायर इंटू आई में। सो वॉट इज वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर, अभी हमने निकाला था कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 इंटू आई एज इट इज। सो आई क्यूब की वैल्यू होगी -i। देन वॉट इज वैल्यू ऑफ आई रेज टू द पावर 4, वॉट इज वैल्यू ऑफ आई रेज टू द पावर 4। सो आई पावर 4 जो है इसे हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर द स्क्वायर, आई स्क्वायर का स्क्वायर और आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर हम लिख सकते हैं, या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर क्या होगा, आई पावर 4। लॉ ऑफ इंडाइसेस, पावर्स एड होंगे। सो यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -1 एंड आई स्क्वायर की वैल्यू -1। सो -1 -1 कितना होता है, +1। सो रिमेम्बर यहाँ पे कुछ बेसिक वैल्यूज है जो आगे चल के हमारे काफी काम आने वाली है। जैसे आई, आई की वैल्यू √-1 होती है। देन आई स्क्वायर, आई स्क्वायर इज वॉट, -1। देन आई क्यूब, आई क्यूब इज -i एंड आई रेज टू द पावर 4 इज 1। अगर हम और पावर इनके बढ़ाए, उसके पहले हम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं। अगर हम इन चारों नंबर को ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम आई, आई स्क्वायर, आई क्यूब एंड आई पावर 4 को अगर हम ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा। आई को हमने एज इट इज रखा, आई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं -1। देन वॉट इज वैल्यू ऑफ आई क्यूब, आई क्यूब इज -i एंड आई पावर 4 इज 1। तो आई माइनस आई कैंसल, -1 + 1 कैंसल, तो इन चारों का समेशन कितना आ रहा है, 0। तो चारों का समेशन हमारे पास आ रहा है 0। तो बढ़ते हैं और आगे। अब जैसे कि अगर हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ आई पावर 5, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं आपके लिए आई रेज टू द पावर 5। आई रेज टू द पावर 5 जो है इसे हम लिख सकते हैं आई पावर 4 इंटू आई। सो आई पावर 4 क्या होता है, अभी हमने देखा आई पावर 4 इज 1। आई पावर 4 की वैल्यू क्या है, 1 इंटू आई एज इट इज, तो ये हो जाएगा आई। देन आई पावर 6, आई पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं आई रेज टू द पावर 4 इंटू आई स्क्वायर। देखिए 4 + 2 = 6 हो जाएगा। देन वैल्यू ऑफ आई पावर 4 इज 1 एंड वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर कितना होता है, -1। तो ये कितना आ रहा है, -1। फिर उसके बाद आई रेज टू द पावर 7, इसे हम लिख सकते हैं आई रेज टू द पावर 4 इंटू आई क्यूब। वॉट इज आई रेज टू द पावर 4, आई रेज टू द पावर 4 इज 1 एंड आई क्यूब, आई क्यूब कितना है, -i। सो 1 इंटू -i इज -i। देन आई रेज टू द पावर 8, आई रेज टू द पावर 8 इसे हम लिख सकते हैं आई पावर 4 का स्क्वायर, आई पावर 4 का स्क्वायर, 4 × 2 = 8। ठीक है, सो पावर इंटू में रहते हैं ये, 4 × 2 = 8 लिख सकते हैं इसे। देन आई पावर 4 की वैल्यू तो हमने देखा आई पावर 4 कितना था, 1। तो इसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर = 1। तो हमने देखा आई पावर 5 की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट आ रही है,
इट इज इक्विवेलेंट टू आई ओनली। देन उसके बाद हमने देखा कि आई स्क्वायर की वैल्यू किससे इक्विवेलेंट है, इट इज इक्विवेलेंट टू आई पावर 6। देन आई क्यूब इट इज इक्विवेलेंट टू आई पावर 7 एंड आई पावर 4 इट इज इक्विवेलेंट टू आई पावर 8। दोनों इक्विवेलेंट वैल्यूज है, दोनों की वैल्यूज कैसी आ रही है, सेम आ रही है। तो हम ऐसे रिलेशन डेवलप कर सकते हैं क्या कि हम डायरेक्ट यहाँ पे बता सके। तो फिर से हम अगले पेज में बढ़ते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा आई, देन आई स्क्वायर की वैल्यू हमने देखी -1, आई क्यूब की वैल्यू हमने देखी -i, एंड आई रेस टू द पावर 4 की वैल्यू हमने देखी 1। फिर उसके बाद हमने देखा आई रेस टू द पावर 5 इज आई, अगेन आई रिपीट हुआ है। देन आई रेस टू द पावर 6 इज -1, देन आई रेस टू द पावर 7 इज -i, एंड आई रेस टू द पावर 8 इज 1, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि आई का कोई भी पावर रहे उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, एक तो आई होगी या -1, देन -i और 1, इन चारों में से कोई भी वैल्यू इसकी हो सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब रिमेम्बर, अगर आई का पावर 4n है, मीन्स 4 का मल्टीपल है, आई का पावर क्या है, 4 का मल्टीपल, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 4 का मल्टीपल है तो इसे हम लिख सकते हैं आई पावर 4 इज द पावर n, एंड वी नो आई पावर 4 क्या होता है, 1। तो 1 का पावर n, 1 रेस टू द पावर n, तो 1 का पावर कुछ भी रहे यहाँ पे 1 ही मिलने वाला है हमें। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर आई रेस टू द पावर 4n+1 करें पावर में, 4n+1, तो इसे क्या लिखा जा सकता है, आई रेस टू द पावर 4n इनटू आई। लॉ ऑफ इंडाइसेस अगर देखें तो बेसिस अगर सेम है तो पावर ऐड होंगे, तो ये हो जाएगा 4n+1। सो आई पावर 4n कितना होता है, इट इज नथिंग बट द 1, तो इसे लिखेंगे 1 इनटू आई, ये हो जाएगा आई। आफ्टर दैट वी कैन राइट आई पावर 4n+2, आई पावर 4n+2 कैन बी राइट, कैन बी रिटन एज आई पावर 4n इनटू आई स्क्वायर। आई पावर 4n को हम क्या लिख सकते हैं, आई रेज़ टू द पावर 4n इनटू आई स्क्वायर, ठीक है। 4n+2 को लिखा हमने 4n एंड स्क्वायर सेपरेट किया, आई पावर 4n 1 होता है और आई स्क्वायर कितना है, इट इज -1, सो 1 इनटू -1 इज -1, एंड आई रेज टू द पावर 4n+3, इसको हम लिख सकते हैं आई पावर 4n इनटू आई क्यूब के फॉर्म में। देन आई पावर 4n को हम लिखेंगे 1, एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई क्यूब, इट इज -i, सो 1 इनटू -i -i। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि आई का पावर हम कुछ भी ले, एनी पावर ऑफ आई, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, एक तो 1 होगी या आई होगी या -1 होगी या -i होगी। एंड एक और चीज हमें समझ में आती है कि 4 कॉन्जेक्यूटिव आयोटा के पावर्स हमें गिवन है, ठीक है, आयोटा उनके पावर कॉन्जेक्यूटिव है, जैसे 1, 2, 3, 4, तो इनका समेशन हमेशा 0 होता है। यहाँ पे भी देखो कॉन्जेक्यूटिव है 5, 6, 7, 8, अगर हम इन चारों को ऐड करें, आई माइनस आई कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, तो इसका भी समेशन 0 होगा। अगर हम यहाँ पे भी समेशन करें, ठीक है, यहाँ पे भी अगर हम समेशन करें तो आई माइनस आई कैंसिल, 1 - 1 कैंसिल, तो इन चारों का समेशन भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो 4 कॉन्जेक्यूटिव पावर्स ऑफ आई अगर हमारे पास गिवन है तो इन सब का समेशन कितना होता है, 0 होता है। आई होप आपको इतना समझ में आया हो। तो हम बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज नेगेटिव पावर्स ऑफ आयोटा। तो अगर आयोटा का नेगेटिव पावर हमारे पास गिवन है, से आई पावर -1 और आई पावर -2 और आई पावर -3 और आई पावर -4, तो इन सबको कैसे सॉल्व किया जाता है अभी हम देखेंगे। लॉ ऑफ इंडाइसेस सभी को पता है, ए पावर -m, इसे लिखा जाता है 1/a m, एकदम बेसिक से आपको मैं बता रहा हूं चीजें। तो ए पावर -m को हम लिखेंगे 1/a m, तो यही पर हम आई पावर -1 इसे लिख सकते हैं 1/i/1। जब कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा है, ठीक है, और उसे हमें रिमूव करना है, रिमेंबर न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर को आई से मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो आई इंटू आई, हमने की आई की एडजस्टमेंट, सो 1 इंटू आई,
आई एंड आई इंटू आई इज आई स्क्वायर, और अभी हमने देखा था आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, -1, तो ये हो जाएगा माइनस आई, सो आई रेज टू द पावर -1 इज माइनस आई। देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई पावर -2, इसे हम लिख सकते हैं 1/i² लॉ ऑफ इंडाइसेस हमने यूज किया, आई पावर -2 को हमने लिखा 1/i², सो 1/i² हमने लिखा। अब 1 बाय व्हाट इज आई स्क्वायर, आई स्क्वायर इज -1, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो माइनस साइन न्यूमरेटर में दे देंगे तो ये हो जाएगा -1। देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई पावर -3, इसे भी हम लिखेंगे 1/i³, 1/i³। देन 1/i³ क्या होता है, सो 1/i³ की वैल्यू क्या है, हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था आई क्यूब की वैल्यू थी माइनस आई, आई क्यूब की वैल्यू कितनी है माइनस आई, सो माइनस साइन हम न्यूमेरेटर में भी दे सकते हैं, अपॉन आई लिखेंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में आई है तो उसे रिमूव करने के लिए क्या करना होता है, ऊपर नीचे हम आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे इंटू आई बाय आई हम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस आई डिवाइड बाय आई स्क्वायर। सो माइनस आई एज इट इज, व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर, इट इज -1, सो माइनस माइनस कैंसल, वैल्यू रहेगी आई। देन आई रेस टू द पावर -4, आई रेस टू द पावर -4 क्या होगा, इसे लिखेंगे 1/ आई रेस टू द पावर 4 एंड 1/ व्हाट इज आई रेस टू द पावर 4, इट इज 1, तो आंसर रहेगा 1। तो यहाँ पे भी देख सकते हो, अगर नेगेटिव पावर है एंड कॉन्जेगेटिव नेगेटिव पावर है, एक के बाद एक आने वाले नेगेटिव पावर्स है, तो इनका भी समेशन कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आइए अब हम इन टॉपिक पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, वेरी इजी, अंडर रूट -2 इंटू अंडर रूट -3, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आइए सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले रूट -2 इंटू रूट -3 हमने लिख दिया, आफ्टर दैट रूट -2 को हम लिखेंगे -1 इंटू 2 इंटू रूट -3 को हम लिखेंगे -1 इंटू 3, देन रूट सेपरेट कर देंगे, रूट -1 इंटू रूट 2 इंटू रूट -1 इंटू रूट 3, रूट -1 को हम लिख सकते हैं आई, तो ये हो जाएगा आई रूट 2 इंटू आई रूट 3। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में था, आई रूट 2 इंटू आई रूट 3, तो इसे इंटू करेंगे तो क्या होगा, आई को हम आई के साथ इंटू कर देंगे तो आई स्क्वायर मिलेगा, दोनों में रूट कॉमन एंड 2 3 6, सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर, इट इज -1 इंटू रूट 6, सो आंसर रहेगा -√6, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आई इज इक्वल्स टू √-1 देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई पावर एन प्लस आई पावर एन प्लस 1 प्लस आई पावर एन प्लस 2 प्लस आई रेस टू द पावर एन प्लस 3। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है कि आई के अगर कॉन्जेगेटिव पावर्स एडिशन में यहाँ पे दिए हुए हैं, आई विद कॉन्जेगेटिव पावर्स कैसे दिया हुआ है, एडिशन में दिया हुआ है, तो इसका समेशन क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए, इसका समेशन शुड बी 0 ओनली। ठीक है, आप यहाँ पे दिया हुआ है एन इज पॉजिटिव इंटीजर, सो हम एन की कोई भी वैल्यू रख के यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं, से एन इक्वल टू 1, एन की वैल्यू अगर हमने 1 ले ली तो क्या होगा, आई पावर 1 प्लस आई पावर 1 प्लस 1 2 प्लस आई पावर 3 प्लस आई रेस टू द पावर 4, सो आई पावर 1 आई होता है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आई क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आई एंड आई पावर 4 इज आई, तो जैसे कि आप देख सकते हैं माइनस आई आई कैंसल एंड सॉरी आई पावर 4 इज 1। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, इसे रफ कर देता हूँ, ठीक है मैं फिर से बता देता हूँ, आई पावर 1 इज आई देन प्लस आई स्क्वायर इज -1, आई क्यूब इज -i एंड आई पावर 4 इज 1, आई पावर 4 कितना होता है 1 होता है, तो अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आई -1 -i प्लस 1, सो आई -i कैंसिल, -1 प्लस 1 कैंसिल, आंसर आएगा 0। तो आप n की कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हो, तो आंसर होना चाहिए यहाँ पे 0। देन नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है द वैल्यू ऑफ सम, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ठीक है, प्रीवियस ईयर
JEE का क्वेश्चन है, यहां पे दिया हुआ है समेशन, समेशन ऑफ एन इक्वल टू वन टू द 13, 1 to 13 आई पावर एन प्लस आई पावर एन प्लस वन। तो सबसे पहले हम समेशन सेपरेट कर देते हैं। तो समेशन अगर हम सेपरेट करेंगे, समेशन एन इज इक्वल्स टू 1 to 13 आई पावर एन, देन प्लस समेशन एन इज इक्वल्स टू 1 to 13 आई रेज टू द पावर एन प्लस वन। सबसे पहले हमने क्या किया, समेशन सेपरेट किया। अब समेशन क्या बता रहा है कि एन की वैल्यू 1 से लेके 13 तक डालकर यहाँ पे ऐड करना है। मीन्स मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूं, अगर आपको समेशन के बारे में नहीं पता, अगर इस तरीके से दिया हुआ ये समेशन एन इज इक्वल्स टू 1 to 13 आई रेस टू द पावर एन, इट मीन्स इट इज आई रेस टू द पावर 1, एन की वैल्यू 1, देन प्लस समेशन रिप्रेजेंट कर रहा है एडिशन आई पावर 2 प्लस आई पावर 3 प्लस अप टू आई पावर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13। तो ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहां पर। तो हम लिख लेंगे, इसे लिखेंगे आई रेस टू द पावर 1 प्लस आई रेस टू द पावर 2 प्लस ये कितना होगा आई पावर 3 अप टू आई रेस टू द पावर 13। एंड प्लस इस साइड में किस तरीके से सॉल्व होने वाला है, एन की वैल्यू 1 है लेकिन आई के पावर में हमें क्या दिख रहा है, आई रेस टू द पावर एन प्लस 1। सो दिस इज आई रेस टू द पावर एन की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 2 प्लस आई पावर 2 प्लस 1 3 प्लस आई पावर 3 प्लस 1 4 अप टू इसमें लास्ट टर्म कौन सी रहेगी 13 प्लस 1, एन की वैल्यू हम क्या सब्सटीट्यूट करेंगे 13, 13 प्लस 1 14। अब हमने प्रॉपर्टी यूज की हुई है कि 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स आई के रहे और आई एडिशन में दिया हुआ है तो उनका समेशन कितना होता है 0। तो यहाँ पे पावर 1 2 3 4 0 हो जाएगा, 5 6 7 8 0 हो जाएगा, देन 9 10 11 12 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा क्या आई पावर 13 प्लस यहाँ पे भी 2 3 4 5 0 देन मतलब इस तरीके से अगर हम देखें 2 से लेके 14 तक अगर पावर है, ठीक है, तो 2 3 4 5 0 देन 6 7 8 9 अगेन 0 देन 10 11 12 13 अगेन 0। सो क्या बचता है यहाँ पे सिर्फ आई पावर 14। सो इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर, इसे हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, देन कलर चेंज कर लेंगे, आई पावर 13 प्लस आई पावर 14 की वैल्यू हमें बतानी है। सो आई पावर 13 इसे हम लिख सकते हैं 12 प्लस 1 एंड प्लस आई पावर 14 इसे लिख सकते हैं 12 प्लस 2। सो आई पावर 13 को 12 प्लस 1 लिखा, यहाँ पे हम पावर सेपरेट कर सकते हैं आई पावर 12 इंटू आई, तब पावर 1 यहाँ पे पावर 1 रहेगा तो पावर ऐड होंगे तो 12 प्लस 1 13 हो जाएगा। देन यहाँ पे बेस सेपरेट करेंगे तो आई पावर 12 इंटू आई स्क्वायर होगा। सो इसके बाद हमें क्या मिलेगा, देन सी आई पावर 12 को लिख सकते हैं आई पावर 4 जा क्यूब, 4 3 जा 12 इंटू आई प्लस यहाँ पे भी आई पावर 12 को लिखेंगे हम आई पावर 4 जा क्यूब इंटू आई स्क्वायर। सो आई पावर 4 कितना होता है 1, 1 जा क्यूब 1, सो 1 इंटू आई, देन प्लस आई पावर 4 इज 1, 1 जा क्यूब 1 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1, ठीक है। सो यहाँ पर 1 इंटू आई आई एंड प्लस माइनस माइनस 1 आंसर रहेगा आई माइनस 1। तो इस तरीके से हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एल्जेब्रिक ऑपरेशंस विद कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है इसलिए हम ये कॉन्सेप्ट कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, लेक्चर के बाद आपको डीपीपी अगर चाहिए तो आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें गिवन मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।